योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर दलितों पर अत्याचार का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली तेज स्पीड से चलाने का विरोध करने पर दबंगों ने लगाई घर में आग। खुलेआम घूम रहे हैं अभी भी तीन दबंग, पुलिस हो रही है नाकाम साबित, परिजनों को मिल रही है धमकियां। आपको बता दें, मामला थाना रजपुरा के मलिकपुर गांव का है, जहां ट्रैक्टर चालक विजय सिंह पुत्र जयपाल यादव अपना ट्रैक्टर तेज स्पीड में मलिकपुर से होकर ले जाता है, साथ ही अश्लील गाने भी बजाता है। जब इसका विरोध मलिकपुर के कृष्णा देवी पत्नी मोहनलाल जाटर ने किया, ये विरोध करना उन्हें महंगा पड़ गया। दबंगों ने दलित के हथियार लेकर घर पर चढ़ाई कर दी और उसके घर पर आग लगा दी, साथ ही जाति सूचक शब्दों के प्रयोग भी किया। परिजनों का कहना है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें गांव से पलायन करना होगा। कौन से गांव से? कौन सा थाना पड़ता है? क्या क्या घटना घटी आपके साथ? कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? ये रजनेश नाम था उसका, रजनेश ने ही कल ऊपर फायर दिया था और बाकी लोग तो भाग गए, रजनेश हमने पकड़ लिया। थाने गए थे? हाँ थाने में गए थे, वो हमारी रिपोर्टिंग लिखते हैं। क्या कहते 20 तारीख की हमारी रिपोर्टिंग लिख रहे हैं वो। आज तो उन्होंने कुछ ज़्यादा हद कर दिया हमारे पापा के सर पर, 12,000 पत्ते उठा कर उनके मारा। मेरा नाम किशोरीलाल गौतम है। सुबह जी, आप किस पार्टी से? मैं बहुजन समाज पार्टी से। आपके झगड़ा हुआ था, किस लिए झगड़ा हुआ था? झगड़ा इसलिए हुआ था, इनका विजय सिंह है एक सिंगलापुर गाँव के थाना रखवा थे, उनका पट्टा है। ये लोग मलिकपुर में होकर निकल के जाते हैं और असली गाने चलाते हैं और बहन बेटियों की तरफ ये इशारा करते हैं। जाटव बरादरी के लोगों ने इसका विरोध किया, विरोध करने पर मोहनलाल को इन्होंने गिरा गिरा करके मारा, खेसारी चवटते तू इनका विरोध कर, तू हमें रोकेगा। ज़्यादातर लोग दबंग लोग हैं उधर, हमारा ना कोई MLA होता है, ना MP होता है, ना हमारा कोई इधर सहयोग है। हम अपने बलबूते पे जी रहे हैं और उसको आज की घटना शुरू हुई है। ये लोग पेट्रोल और मार्शल लेके गए थे 4-5 लोग, जिस मौके पर इसको रजनीश को पकड़ लिया गया, इसके हाथ में तमंचा कास्तू बरामद हुआ, पेट्रोल भी बरामद हुई है और मार्शल गाड़ी बरामद हुई है। कितने लोगों ने घटना? ये तीन लोग थे। तीन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक? ये इनके खिलाफ थाना रजपुरा में FIR हो गई है और हम मोहनलाल को जिला अस्पताल लेकर आए हैं, इनको यहाँ रेफर किया है और हम आपसे ये आशा करते हैं कि हमको कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। और क्या किया उनके साथ में, जैसे जाटक हैं वो, क्या किया उनके साथ में यादवों ने? हाँ, जाति सूचक शब्द बोला और गांव से पलायन करने की धमकी देते रहे। पलायन करने हमारे इन लोगों के मलिकपुर के जाटों के साथ कभी भी घटना घटती हो सकती है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं प्रशासन से, हमारी मांग है कि हमारी जान और सुरक्षा की जाए। न की तो क्या करोगे? नहीं करेंगे तो पलायन कर देंगे, क्या करेंगे? कौन से गांव से? मलिकपुर। क्या मामला है झगड़े को लेकर, क्या हुआ था? आज 5 लोग मोहल्ला के हथियारों के साथ पहुँचे तो मोहल्ला के टूटने के बाद भागे, टूटने के बाद में तो पहुँचते हैं घर की तरफ, पहुँचते हैं अपने पर हमारे घर भी मारते हैं। हमारे घर पहुँचने के बाद में मोहल्ला से फायर मारते हैं, क्योंकि फायर सर में लगने से बार बार बच गया और इसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़ने से के बाद में उससे एक कट्टा, 2 कारतूस, 1 पेचका, मार्शल गाड़ी बरामद की गई, गाड़ी में पेट्रोल की कट्टी वगैरह, डंडे ये आदि पाए गए। और जिसमें कि उसमें मोहल्ला का पेचकस और ईंटों, ये 5 लोग थे, इन लोगों ने पेचकस और ईंटों से हमला करके सर खो दिया, तो शरीर में घूम चोट गया। क्यों झगड़ा हुआ था, किस बिना पर लेकर झगड़ा हुआ था? 20 तारीख की घटना में मोहल्ला और इनके बीच झगड़ा हो गया था, तो उसी का बदला लेने के लिए आए थे 5 लोग। बदला लेने आए थे तो बदले में उन्होंने हेल्प कर लिया उसी तरह से, और मोहल्ला लिस्ट में। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही किसी तरह के संदेह, क्योंकि दूसरी पार्टी के फेवर में जारी है। तो आप कहीं गए थे अस्पताल? आज हम गए थे अस्पताल के बाद, कल भी गए थे हम और आज भी गए थे, लेकिन उसमें भी FIR अधिकारियों के पास गए थे आप? DIA साहब के पास भी हमने अपनी FIR वगैरह व्हाट्सएप पर सेंड की है, SC साहब महोदय के पास भी सेंड की है और CO साहब के पास भी सेंड की है। क्या आश्वासन दिया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं पाया। अब क्या चाहते हैं?
अब हम ये चाहते हैं हमें न्याय चाहते हैं अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई और ना मिला न्याय तो हम सोचित करते हैं हमें न्याय मिला कि अब क्या करोगे सर आपको लिए कार्रवाई ना करी तो आप हम ये चाह रहे हैं आपके सहयोग से या फिर अधिकारियों से सहयोग मिल जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो संवैधानिक बंधन के खिलाफ कार्रवाई